जय माँ मंगला गौरी की। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगी मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। जिस तरह सावन के सोमवार होते हैं उसी तरह सावन के मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में माता गौरी का पूजन किया जाता है जो माँ पार्वती का ही स्वरूप है और इन्हें महागौरी माँ भी बोला जाता है। देखिए इस व्रत में सबसे पहले तो आप सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त हो लें और इसके बाद लाल वस्त्र पहन लें, लाल या पीले वस्त्र पहनकर इस पूजन को करें। ये जो व्रत है उसे कुंवारी लड़कियाँ भी रखती हैं और शादीशुदा महिलाएँ भी। कुंवारी लड़कियाँ सुयोग वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और शादीशुदा महिलाएँ अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस पूजन को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी। इस तरह से चौकी बिछाकर लाल वस्त्र बिछा लें और अष्टदल कमल बनाकर यहाँ मैंने कलश स्थापित किया है और यहाँ पर शिव परिवार की फोटो को भी विराजित किया है मैंने। इस तरह से देखिए, फिर इसके बाद हम इस एक प्लेट में स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी से, हल्दी या चंदन से बना लें आप स्वास्तिक। और इसके बाद यहाँ मिट्टी की गौरी माँ का पूजन कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो धातु से बनी गौरी माता का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन आज की पूजा में ना मिट्टी की गौरी माँ का पूजन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इनका पूजन करना, फिर उनको अगले दिन विसर्जित करना। और इस तरह से देखिए चार बार जल से स्नान करा लेंगे हम और फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान करा रही हूँ मैं और इसके बाद वापस स्वच्छ जल से स्नान करा लेंगे हम उन्हें। आप जल में गंगा जल जरूर मिला लें क्योंकि जल की जो अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। फिर इस तरह से देखिए, इस पानी को हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। इस पानी को आप अपने घर में छिड़क दें या किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस तरह से चावल और बेलपत्र रखकर हम गौरी माँ को विराजित कर लेंगे और हल्दी समर्पित कर दी है मैंने और इसके बाद मैं उन्हें सिंदूर समर्पित कर रही हूँ। जिनकी नई शादी होती है वे शादी के पहले साल से इस व्रत को शुरू करते हैं। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, एक तो 5 साल के लिए और दूसरा 1 साल के लिए। आज के पूजन में अगर आपको 16 प्रकार के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये 3 रंग के फूल मिले तो मैं वो 16 चढ़ा रही हूँ। देखिए माँ मंगला गौरी की पूजा में 16 की संख्या का बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे 16 बाती का दीपक, 16 श्रृंगार, 16 प्रकार के फल फूल मेवे मिठाइयाँ, इस तरह से 16 की संख्या में आप चीज़ें मिल जाएं तो वो चढ़ाएं। और अगर आपके पास कुछ हो ना हो, 16 बाती का दीपक आपको जरूर रखना है आटे का इस पूजन में। देखिए वैसे तो ये व्रत विशेष मनोकामना के लिए रखा जाने वाला व्रत है तो इसके नियम और विधि बहुत विशेष होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली इसका हर मंगलवार को वैसे ही पूजन कर लें, लेकिन आपको इसका उद्यापन इसके नियमों को मानते हुए और पूरे विधि विधान से करना चाहिए। देखिए उद्यापन वाले मंगलवार को आपको षोडश मातृकाएं बनानी चाहिए और नवग्रह स्थापित करने चाहिए और किसी विद्वान पंडित से ही इसकी पूजन विधि करानी चाहिए। और आप चाहें तो हर मंगलवार को भी इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ जिससे आप हर मंगलवार को सरल तरीके से इस तरह पूजन कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये व्रत दो तरीके से रखा जाता है, तो जो 5 साल के लिए रखा जाता है उसमें आपको हर साल सावन के मंगलवार व्रत रहने हैं और 5वें साल में सावन का जो लास्ट मंगलवार होगा उसमें आपको उद्यापन करना होगा। और दूसरा जो 1 साल के लिए किया जाता है उसमें सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके साल के सभी मंगलवार का व्रत रखा जाता है और अगले साल के सावन के आखिरी मंगलवार को उद्यापन कर दिया जाता है। और ये व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपकी नई शादी हुई हो तभी आप इस व्रत को शुरू करें। शादी के कई साल बाद भी अगर आपकी इच्छा है तो आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए इसके बाद हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और ये पीले फूलों की माला है मेरे पास तो मैंने वो चढ़ा दी है। और गणपति जी को और माता गौरी को लाल फूल, शिव जी को सफेद फूल चढ़ा देंगे हम और सभी को पीले फूल चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे शिव जी को और माता पार्वती को। इस तरह से देखिए फिर हम गणपति जी को जनेऊ चढ़ा देंगे और ये चौमुखी दिया जरूर रखना है आपको 16 बाती वाला। आपको 4 धागे वाला कलावा लेना है और चारों कोनों में इस तरह से 4-4 करके 4-4 की संख्या में रख देना है। इसके बाद ये देखिए मिट्टी से बना मैंने सिलबट्टा और चकला रखा है। ये व्रत पारिवारिक सुख समृद्धि और शांति के लिए किए जाने वाला व्रत है और हमारे हिंदू धर्म में परिवार की सुख समृद्धि रसोई घर से शुरू होती है क्योंकि रसोई घर में ही माँ अन्नपूर्णा का वास होता है जो माता गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। आप चाहें तो इस तरह आटे या मिट्टी से बना लें या आप रसोई घर में जो यूज करते हैं उन्हें भी रखकर आप पूजन कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रही हूँ मैं। आप चाहें तो अलग अलग 16 श्रृंगार चढ़ा दें या कोई भी एक श्रृंगार की सामग्री 16 की संख्या में भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए हम फिर मिठाई का भोग लगा लेंगे, ऋतु फलों का भोग लगा लेंगे, जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप उनका भोग लगा लें। और मीठे में आप चाहें तो हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। फिर इस तरह से जल रख देंगे हम और लौंग इलायची सुपारी और बताशे का भोग लगा रही हूँ मैं। देखिए जो माँ मंगला गौरी का व्रत है उसे विधि पूर्वक उसमें अगर माता गौरी का पूजन करें तो अखंड सौभाग्य और मनवांछित वर की प्राप्ति तो होती ही है। इसके अलावा अगर कोई संतान सुख की कामना से कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो यह व्रत बहुत शुभ फलदायी रहता है।
साथ ही साथ अगर किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो वो भी इस व्रत को रह सकते हैं। बहुत ही उत्तम होता है ये व्रत। देखिए, इस तरह से पूजन के बाद आप माता मंगला गौरी की कथा पढ़ लें। फिर इसके बाद सर्वप्रथम हम गणपति जी की, कलश देव की, माता गौरी की, शिव जी की और सभी का मन में ध्यान करते हुए इस तरह से आरती उतार लेंगे और अंत में दक्षिणा जरूर आप समर्पित करें। दक्षिणा से जो हमारी पूजा में हुई कमी होती है वो पूरी हो जाती है। फिर इस तरह से देखिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर यूजफुल रहा हो तो इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।